किंगडम स्वागत है आप सभी का जीके मैम में। दोस्तों अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फिर आर के स्टूडेंट भी हैं, अगर आपके पास में ज्योग्राफी नहीं है तो प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले ज्योग्राफी के जितने भी सवाल हैं वो हमेशा हमें परेशान करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ ज्योग्राफी के ऐसे सवाल जो कि अधिकतर एग्जाम्स यानी रीट हो, एसएससी हो, रेलवे के हो या फिर पटवार के हो, किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपके एग्जाम में ये ज्योग्राफी के सवाल जरूर आते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना और बताना कि आपको ये कैसा लगा। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के बराबर होती है? धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर के बराबर होती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा, जी हाँ, यह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहां से होकर जाती है? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त रेखा मालागासी से होकर जाती है। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा को समकोण पर काटने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का समय अंतराल होता है। किस अक्षांश रेखा पर रात और दिन समान होते हैं? भूमध्य रेखा पर रात और दिन समान होते हैं। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है 180। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? कुल देशांतर रेखाओं की संख्या है 360। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। प्रधान मध्यान रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान मध्यान रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच रेखा क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर तक घूमती है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री है। 2 स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? 2 स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में 4 मिनट का अंतर होगा। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? सिंगापुर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। देशांतर रेखाएं किस दिशा से किस दिशा में खींची जाती हैं? उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में देशांतर रेखाओं को खींचा जाता है। भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि आप तक ये वीडियो सबसे पहले पहुंचे जीके मैम के, तो इस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली बार नए टॉपिक्स के साथ में कुछ और नए सवालों के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।